गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रेम शंकर सीआरसीसी परमालपुर अंग्रेजी कक्षा में आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। हम लोगों ने इंग्लिश में दूसरा लेसन, सेवन्थ क्लास के इंग्लिश के दूसरे लेसन पे कृष्णा और सुदामा की कहानी पढ़ी थी और आज हम उसके एक्सरसाइजेस पे आते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, What did Sudama give to Krishna as a gift? यानी सुदामा ने कृष्ण को क्या गिफ्ट दिया था, क्या उपहार दिया था? तो इसका आंसर क्या उपहार दिया था बच्चों? Parched rice, भुने हुए चावल उपहार में दिए थे। तो इसका आंसर कैसे हम लिखेंगे? सुदामा gave parched rice to Krishna as a gift। यहाँ पर फिर से मैंने आपको बताया था कि यदि क्वेश्चन में डिड लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और हमें आंसर भी पास्ट इंडेफिनिट में ही देना है। अगर क्वेश्चन में डिड लगा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जब उसका हम आंसर लिखेंगे तो आंसर में डिड होता नहीं है, इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यहाँ पर गिव का गेव हो गया है, सुदामा गेव प्रेस्ट राइस टू कृष्णा एज अ गिफ्ट। ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड कृष्णा फील व्हेन ही टुक द गिफ्ट फ्रॉम सुदामा? यानी कृष्णा ने कैसा फील किया, कैसा अनुभव किया जब उन्होंने सुदामा से गिफ्ट लिया? कैसा अनुभव किया था? बहुत ही खुश हुए थे, डिलाइट उसको कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कृष्णा फेल्ट, फिर से देखिए यहाँ पर डिड लगा हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे, फील का फेल्ट हो जाएगा। कृष्णा फेल्ट डिलाइटेड व्हेन ही टुक द गिफ्ट फ्रॉम सुदामा। तीसरा देखिए, व्हाई वाज सुदामा अमेज्ड टू सी अ पैलेस इन प्लेस ऑफ हिज हट? सुदामा क्यों आश्चर्यचकित रह गए अपने झोपड़ी के स्थान पर महल देखकर? क्यों आश्चर्यचकित रह गए सुदामा? क्योंकि उन्होंने कृष्णा से कुछ नहीं मांगा था। जब कुछ नहीं मांगा था तो वो जब वापस आए अपने गांव में तो उन्होंने देखा कि उनके झोपड़ी के स्थान पे तो महल खड़ा हुआ है, इसलिए आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि बिना मांगे ही उनको सब कुछ मिल गया था। उनको अंदाजा नहीं था कि बिना मांगे ही हमको सब कुछ मिल जाएगा, इसलिए वो आश्चर्यचकित। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं बच्चों, सुदामा वॉज अमेज्ड टू सी अ पैलेस इन प्लेस ऑफ हिज हट बिकॉज ही डिडंट आस्क हेल्प टू कृष्णा येट द पैलेस वॉज बिल्ड। उन्होंने कृष्णा से हेल्प नहीं मांगी थी लेकिन फिर भी पैलेस बन गया। चलिए इसके मल्टीपल क्वेश्चंस में आते हैं। एक क्वेश्चन है और उसके चार आंसर्स हैं, आपको बताना है उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला है, द स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड सुदामा हैज बीन टेकन फ्रॉम, मैंने पाठ पढ़ाते समय प्रारंभ में ही बताया था कि यह महाभारत से लिया गया है कहानी, महाभारत का ही एक अंश है। तो इसका जो बी ऑप्शन है, द महाभारत, यहाँ ये करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, कृष्ण एंड सुदामा वेयर, हु वाज देयर, एनिमीज और फ्रेंड्स? दे आर फ्रेंड्स, वो मित्र थे, तो बी ऑप्शन इसका भी सही होगा। तीसरा है, व्हाट डिड सुदामाज वाइफ सेंड टू कृष्णा एज अ गिफ्ट? सुदामा की वाइफ ने कृष्णा के लिए क्या गिफ्ट भेजा था, क्या गिफ्ट भेजा था बच्चों? प्रेस्ट राइस, भुने हुए चावल, तो इसका भी बी ऑप्शन सही होगा, प्रेस्ट राइस। फोर्थ है, सुदामा डिड नॉट वांट टू प्रेजेंट द प्रेस्ट राइस टू कृष्णा बिकॉज ऑफ, सुदामा भुने हुए चावल कृष्णा को नहीं प्रेजेंट करना चाहते थे, दिखाना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं दिखाना चाहते थे? बिकॉज ऑफ हेजिटेशन, क्योंकि वो हिचक रहे थे, हेजिटेशन। बी इसका भी सही आंसर होगा। आगे जो B22 में क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं हम। व्हाई डिड सुदामाज वाइफ सेंड हिम टू कृष्णा? सुदामा की वाइफ ने सुदामा को कृष्ण के पास क्यों भेजा? इसका आंसर हम ऐसे कह सकते हैं, क्यों भेजा था बच्चों? क्योंकि वो हमेशा कहते रहते थे कि कृष्ण हमारे फ्रेंड हैं और उनकी कंडीशन बड़ी पुअर थी, तो उनकी वाइफ ने उनके पास भेजा हेल्प के लिए, ताकि उनकी कंडीशन कुछ सुधर सके।
तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, सुदामा वॉज वेरी पुअर, सुदामा बहुत ही गरीब थे, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील वेरी ऑफन, अक्सर ऑफन, ओ एफ टी ई एन, ओ एफ टी ई एन, इसको हम ऑफन पढ़ेंगे, ऑफन इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन बहुत ही जरूरी है बेटा, बहुत बच्चों को हमने देखा है इसको ऑफ्टन पढ़ते हैं, नहीं ये टी जो है वो साइलेंट होता है, इसको ऑफन पढ़ा जाता है, यानी इसका मतलब होता है अक्सर ही, यानी हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील वेरी ऑफन, उनके बच्चों, उनकी पत्नी और बच्चों को अक्सर ही बिना खाए पिए ही सोने जाना पड़ता था, बेड पर जाना पड़ता था, अनेबल टू बियर द पिटिएबल कंडीशन सुदामा'स वाइफ सेंड हिम टू कृष्णा, जब ये पिटिएबल कंडीशन यानी दयनीय स्थिति असहनीय हो गई, अनेबल टू बियर का मतलब होता है सहन करना, अनेबल टू बियर यानी जब यह असहनीय हो गया, सहन नहीं किया जा सकता था इस पिटिएबल कंडीशन को, तब सुदामा की वाइफ ने कृष्णा के पास सुदामा को भेजा, द किंग ऑफ, कौन थे कृष्ण, द किंग ऑफ द्वारिका एंड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, द्वारिका के राजा और उनके बचपन के मित्र, टू आस्क फॉर हेल्प, मदद के लिए, सो दैट देयर कंडीशन मे इम्प्रूव, ताकि उनकी कंडीशन, उनकी स्थिति कुछ सुधार हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हाउ डिड द गार्ड्स एट कृष्णास पैलेस ट्रीट सुदामा, कृष्णा के पैलेस महल में जो गार्ड थे बाहर खड़े थे, उन्होंने सुदामा के साथ कैसा ट्रीट किया, यानी कैसा बिहेव किया, कैसा व्यवहार किया, तो कैसा व्यवहार किया था, कोई ध्यान नहीं दिया, उनको यह लग ही नहीं रहा था, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था, द मैन इन रेक्स वॉज द फ्रेंड ऑफ देयर किंग, उनको यह विश्वास नहीं हो रहा था कि जो ये रेक्स में चिथड़ों में लिपटा हुआ मनुष्य है यह उनके किंग का मित्र भी हो सकता है, तो इसलिए कोई ध्यान नहीं दिया था, अलाउ नहीं किया था उन्हें अंदर जाने के लिए, तो हम कह सकते हैं द गार्ड्स एट कृष्णास पैलेस ट्रीट सुदामा रूडली, रूडली का मतलब होता है बहुत ही निर्दयतापूर्वक, यानी जो गार्ड्स थे कृष्णा के पैलेस के, उन्होंने सुदामा के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया, बहुत ही निर्दयता से पेश आए, दे पेड नो अटेंशन टू हिम, उन्होंने कोई अटेंशन नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया, एंड दे डिड नॉट अलाउ हिम टू गो इन द पैलेस, और उन्होंने परमिशन नहीं दिया, उनको इजाजत नहीं दी महल के अंदर जाने के लिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड कृष्णा डू व्हेन ही हर्ड सुदामाज नेम, कृष्णा ने क्या किया जब उन्होंने सुदामा का नाम सुना, क्या किया था, भागे गए, दौड़े गए जैसे उन्होंने सुना कि सुदामा उनके बचपन का फ्रेंड आया हुआ है, और उन्हें गले से लगा लिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कृष्णा रश्ड टू द रॉयल गेट, रश्ड यहाँ डिड हट गया है, यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, रश नहीं होगा, रश्ड होगा, ई डी लग जाएगा, सेकंड फॉर्म लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डिड है तो आंसर में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, कृष्णा रश्ड टू द रॉयल गेट एज सून एज ही हियर सुदामाज नेम, कृष्णा भागे गए रॉयल गेट पर, एज सून एज का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब होता है जितना जल्दी हो सके, यानी जैसे ही, ऐसे इस्तेमाल करते हैं इसको, जैसे ही उन्होंने सुना, वैसे ही जैसे ही सुदामा का नाम सुना, वो भागे गए रॉयल गेट पर, ही हग्ड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, उन्होंने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को गले लगा लिया, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन द पैलेस, और उनसे रिक्वेस्ट किया पैलेस के अंदर आने के लिए। अगला क्वेश्चन, Why did Sudama not tell Krishna the purpose of his visit? सुदामा ने अपने आने का उद्देश्य, पर्पस, उद्देश्य कृष्णा को क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया होगा बच्चों? वो गरीब थे, उन्होंने देखा कि कृष्णा बहुत अमीर हैं, उनके बचपन के दोस्त हैं, एक दोस्त हिचकिचा रहे थे वो अपने मित्र से अपनी कंडीशन को बताने और उनको हेल्प लेने, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट सामने आ रहा था, उनको करने से यह रोक रहा था, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सुदामा डिड नॉट टेल कृष्णा द पर्पस ऑफ हिज विजिट, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया गया है तो आंसर में भी डिड का प्रयोग किया गया है, डिड नॉट का प्रयोग किया गया है, जब डिड का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर वर्ब का स्पष्ट फॉर्म ही लगेगा,
डिड जब हटता है तब वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, डिड जहां पर रहेगा उसके संग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। सुदामा डिड नॉट टेल लगा है इसलिए, अगर डिड नहीं लगा होता तो टोल्ड लगा होता है यहाँ पर। सुदामा डिड नॉट टेल कृष्णा द पर्पस ऑफ हिज विजिट, उन्होंने नहीं बताया अपने आने का उद्देश्य, क्योंकि बिकॉज दे वेर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, क्योंकि वो बचपन के मित्र थे। सुदामा सेल्फ रिस्पेक्ट प्रिवेंटेड हिम टू डू सो, प्रिवेंटेड यानी रोकना, मना करना, यानी सुदामा का जो सेल्फ रिस्पेक्ट था वो उन्हें ये काम करने से रोक रहा था, उनका आत्म सम्मान उन्हें यह काम करने से रोक रहा था। अगला क्वेश्चन, इन व्हाट वे डिड कृष्णा हेल्प हिज फ्रेंड, कैसे कृष्णा ने अपने मित्र सुदामा की हेल्प की। कृष्णा मेड अ ब्यूटीफुल पैलेस इन प्लेस ऑफ अ स्मॉल हट, कृष्णा ने एक छोटे से झोपड़ी के जगह पर सुदामा के लिए एक बहुत बड़ा महल खड़ा कर दिया। फॉर सुदामा ही ऑल्सो गिव गुड क्लोथ्स टू सुदामाज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उन्होंने सुदामा के बच्चों और वाइफ के लिए अच्छे कपड़े भी दिए, इस प्रकार से उनकी मदद की। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड कृष्णा अंडरस्टैंड सुदामाज नीड, कैसे समझ गए कृष्णा सुदामा की जरूरतों को, कैसे समझ गए। ये एक सच्चे मित्र की पहचान है बच्चों, जो सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र की परेशानी बिना कहे समझ सके, उसके अनस्पोकन वर्ड्स को समझ सके, अनस्पोकन जो उसने कहा ही नहीं है ऐसे वर्ड्स को भी वो समझ जाए, वही सच्चा मित्र है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, सुदामा केम टू मेट कृष्णा इन रैग्स, सुदामा कृष्णा से मिलने रैग्स में गए थे, यानी फटे पुराने कपड़ों में गए थे, चिथड़ों में गए थे। ही वॉज नॉट लुकिंग वेल, और वो अच्छे नहीं दिख रहे थे, स्वस्थ नहीं दिख रहे थे। द गिफ्ट ऑफ द ब्रेस्ट राइस सेंट बाय सुदामाज वाइफ टू कृष्णा एक्सप्लेन्ड हिज पिटिएबल कंडीशन, जो सुदामा की वाइफ ने ब्रेस्ट राइस गिफ्ट के रूप में कृष्णा को दिया था, ये सारी कंडीशन एक्सप्लेन करता है। आप ही बताइए, भला उतने बड़े राजा, द्वारिका के इतने बड़े राजा, उनको भुने हुए चावल को ही गिफ्ट में ले जाता होगा, लेकिन सुदामा की कंडीशन पिटिएबल थी, उनके पास वही था, उन्होंने यही ले जाना उचित समझा, क्योंकि वही था ही उनके पास, और कुछ दूसरा ले भी नहीं जा सकते। तो कृष्ण समझ गए प्रेस्ट राइस को देखकर उनकी गरीबी के बारे में, और जो उनके फटे पुराने कपड़े थे वो अस्वस्थ दिख रहे थे, सब कुछ समझ गए बिना कहे। मोर ओवर सुदामा वॉज हेसिटेंट टू टेल कृष्णा अबाउट हिज नीड्स, और इससे भी इसके अतिरिक्त सुदामा हिचक भी रहे थे अपनी जरूरतों के बारे में बताने से, कृष्ण को हिचक रहे थे, इससे भी कृष्ण समझ गए कि बात क्या है रहे थे। इन दिस वे कृष्णा अंडरस्टैंड हिज नीड्स विदाउट अनस्पोकन, तो जो अनकहे वर्ड्स थे उससे सुदामा की नीड्स को, जरूरतों को कृष्ण समझ गए। तो आशा करते हैं बच्चों कि इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको स्पष्ट हुए होंगे, इसे लिखिएगा, मैं इसे पीडीएफ में भी आपको भेज दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा, और इसके अभी कुछ और एक्सरसाइजेस इसमें बाकी हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी एक्सरसाइजेस लेके आते हैं। तब तक धन्यवाद, खुश रहो, स्वस्थ रहो बच्चों।